हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत करते हैं गाइज। अभी 6:45 हो रहे हैं सुबह की। आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज है संडे, आप देख सकते हैं अभी का नज़ारा मैं दिखा रही हूँ अपनी छत से, बहुत ही अच्छा है। अभी बहुत कॉलोनी शांत है, नहीं तो अदर डेज क्या होता है कि बहुत हल्ला रहता है। अभी तक तो वैन, गाड़ियाँ, बसें आती रहती है हमारे कॉलोनी में, क्योंकि सारे बच्चे स्कूल जाने लगते हैं सुबह सुबह। और ये हमारा गाइस, ये हम लोग का प्लॉट है, आप देख सकते हैं। ये पोल है ना, इसी के पास हम लोग का प्लॉट है। बगल में घर बन चुका है, अब ये बन ही रहा था, आप देख सकते हैं। अभी जस्ट बन के तैयार हुआ, अभी कलरिंग वगैरह बाकी है, आगे कर सकते हैं। तो आई होप कि हमारा भी घर जल्दी ही बन के तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा समय लग रहा है। देखते हैं कब से इसका काम स्टार्ट है, इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग भी। तो अभी का यही दृश्य, चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं, बने रहे ब्लॉग के साथ कंटिन्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अच्छा लगता लाइक करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जो शॉप की चीज़ें हैं वो घटती बढ़ती रहती है, तो आज भी गए हैं, कुछ ऑर्डर के सामान था उसके लिए, और कल भी ये लोग दोनों लोग गए थे। तो फिर इतना तेज़ धूप हो रहा है, मतलब हद से ज़्यादा इतना तेज़ धूप हो रहा है जिधर, मतलब बहुत ही तेज़ धूप रहा है। अगर कोई जाएगा अच्छा इंसान तो तबीयत ख़राब हो ही जाएगा। और अभी तो आप देख सकते हैं 1 बजने वाला है, अभी इस टाइम हमको निकलना है, क्योंकि इन लोगों को स्कूल से 12:50 में छुट्टी होता है, तो हम लेके आ ही जाएंगे। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं। तो गाइस, ये सबसे अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ये, मतलब मैं जब डांस क्लास जा रही थी तब वो खरीदे थे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप हो रहा था। अभी फ़िलहाल के टाइम में आप देख सकते हैं, तो मैं 1-2 बार यूज़ की हूँ इसका। तो अभी ये आप देख सकते हैं, अभी नया ही है, मैंने सिर्फ 1 ही बार यूज़ किया, आप देख सकते हैं। ये हमारा है होंडा का हेलमेट, हम देख सकते हैं, मैंने सिर्फ 1 ही बार इसको यूज़ किया है। और मैं अभी आज चलती हूँ लेके इसको। तो ये हमें धूप और धूल से बचाते में बहुत मददगार साबित होता है, इसलिए हमने इसको लगाया है। और गाइस, इसको लगाने से पहले सुनाई कुछ नहीं दे रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्योंकि मैंने पहले तो दुपट्टा बांध दिया, उसके बाद ये लगा लिया है। स्कूटी देख सकते हैं कितना गंदा हो गया अभी हमारा, इसके लिए टाइम नहीं मिल रहा है। देख सकते हैं कितना गंदा हो गया, एकदम पूरा गंदा। इसको छोड़ देती हूँ मैं, बाद में इसको धो लेंगे हम लोग। तो गाइज, ऐसा है कि आज मम्मी को सत्तू खाने का बहुत ही ज़्यादा मन कर रहा था, तो वो बाज़ार गई और ये लाई है चना, साथ में है बाजरा और जौ, ये तीन चीज़ें हम लोग गए ऊपर। और ये हमारे चूल्हा है, बहुत ही अच्छा टिकाऊ चूल्हा है, आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त चूल्हा है। और हम लोग को बाहर वाले पेड़ से लकड़ी भी मिल गया था, तो हम लोग का सारा चीज़ मिल जा रहा था। साथ में हम लोग ओकला भी ले लेते हैं, यानी कि गोईठा जिसको बोलते हैं, हम लोग यहाँ से ख़रीदते हैं 1 बोरी, मतलब 100 रुपये में मिलता है, तो यहाँ से हम लोग ख़रीद लेते हैं। कोई भी चीज़ हो, बनाना होगा, बनाने के लिए हम लोग ले लेते हैं। तो बेसिकली वो सारी चीज़ें थी, तो हम लोग यूज़ किए यहाँ पर। और यहाँ पर चना को हम लोग भूज रहे हैं, घर पर ही भूज के और अपने मशीन में हम लोग आज सत्तू तैयार किए, बहुत अच्छा लग रहा था। और जब हम लोग सत्तू पीस रहे थे तो इतना अच्छा इसका स्मेल आ रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस। तो पहली बार हम लोग ये किए अपने घर में, तो बहुत अच्छा लगा, और एकदम बढ़िया, एकदम शुद्ध हम लोग को सत्तू मिल गया था। तो आप देख सकते हैं, ये आ गई बाजरे की बारी, ये बाजरा को मम्मी भूज रही है, और ये नमक में हम लोग भूज रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब चीज़ें व्यवस्था नहीं होती, फिर भी हम लोग नमक में ही भूज के अपना काम चला लेते हैं। और फाइनली आप देख सकते हैं भुजा गया, और इसके बाद से ये आप सत्तू तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं एकदम बढ़िया, और इसका खुशबू इतना अच्छा लग रहा था। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा